नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, तीन शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं, 13, 16 और 17। आज का पेपर मतलब अभी होने वाला है, ठीक है, और हो भी रहा है। तो बच्चे, तीन शिफ्टों के पेपर में हमने क्वेश्चन को मतलब आपके साथ डिस्कस भी किया है, मतलब पूरा का पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस किया है। पूरे ऑल शिफ्ट के ये सारी वीडियोस हमारे YouTube चैनल पे पड़ी हुई है, तो उसको एनालाइज करते हुए हमने ये सोचा है या हमने ये ऑब्जर्व किया है और हमने ये पाया है कि बहुत सारे क्वेश्चनों में मतलब समानता पाई गई है। जैसे कि किसी क्वेश्चन में मान लो कि अगर ए स्क्वायर पूछा हुआ है तो अगले मतलब शिफ्ट में ए का क्यूब पूछ दिया है, समझ पा रहे हो? मतलब अगर किसी एग्जाम में अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो अगले एग्जाम में घन का क्षेत्रफल मतलब आयतन पूछ दिया है, समझ पा रहे हो? बस इतना सा डिफरेंस आ रहा है और उसी डिफरेंस को मतलब हमने एनालाइज किया और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मतलब जितने ऐसे मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है या उससे रिलेटेड सवाल है, सबसे बड़ी बात उससे रिलेटेड सवाल, इन सारे शिफ्टों से रिलेटेड सवाल जितने बनते हैं उनको हमने इकट्ठा किया और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उपयोगी, ठीक है, ये क्लास आज हम कर रहे हैं। आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। और उससे भी पहले मैं आपसे कहता हूं कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, जितने भी लोग देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनका जो है मतलब लाभ पहुंचे। क्योंकि भाई ऐसा है कि मेहनत करने का मतलब ये कि कुछ सीमित लोगों तक सीमित ना रहे, मैक्सिमम लोगों तक मतलब ये क्लास पहुंच पाए, ठीक है। इसलिए आप ये वीडियो जितने भी लोग देख पा रहे हैं उसको शेयर करो। तो आइए दोस्तों, आज का पहला सवाल लेते हैं और बहुत गजब सवाल है। कहता भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन और अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। देखिए दोस्तों, इसमें हम वैल्यू पुटिंग तरीका बहुत आराम से अपना सकते हैं। देखिए, वैल्यू पुटिंग का तरीका क्या होता है कि थीटा की हम वो वैल्यू लेते हैं, थीटा की हम वो वैल्यू लेते हैं दोस्तों मतलब जिससे नीचे वाला ना ही जीरो बने और ना ही इनफाइनाइट बने, सबसे बड़ी चीज। तो अगर जरा एक मिनट के लिए देखोगे यहाँ पे, तो अगर मैं ले लूंगा जीरो तो एक तो जीरो बनाएगा, एक प्लस वन बनाएगा, और प्लस वन माइनस वन कट के क्या बना लेगा भाई, जीरो बना लेगा। तो ना ही हम थीटा की वैल्यू जीरो रख सकते हैं, ना ही थीटा की वैल्यू हम 90 रख सकते हैं। कहे कि भाई साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो एक ना एक तो जीरो मिल ही जाएगा। इसका मतलब जीरो और 90 ना लेके हमारे पास जो वैल्यू हमें याद है थीटा की, है ना, वो हमारे पास क्या है, 45, 30 और 60। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये छोटी वाली चीज चेक करते हैं वैल्यू पुटिंग में, और वैल्यू पुटिंग में अगर छोटी वाली चीज चेक करते हैं तो यहीं से अपना अपना लो भाई, है ना, करो भाई। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, आप कहोगे 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 रूट 3 अपॉन 2 प्लस 1। नीचे क्या हो गया भाई, 1/2, सिर्फ इतना ही तो अंतर है, इधर प्लस है और माइनस का 1। अब जरा इसको सॉल्व करने का अगर प्रयास करोगे तो माइनस 1 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस रूट 3, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा और प्लस का 2 इससे जुड़ेगा तो 3 माइनस रूट 3 आएगा, और नीचे क्या होगा, 2 नीचे भी 2 आएगा, इधर भी, ये दोनों कट जाते हैं आपस में और यहां क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं बड़े आराम से कह सकते हैं क्या कि 1, समझ पा रहे हो, 1 यहां से कहते हो रूट 3 माइनस माइनस क्या भाई, माइनस 3। अब एक काम करो, ऊपर वाले में से क्या करो, ऊपर वाले में से भैया, ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से, या फिर ऐसे कर दो ना, जरा देखो एक मिनट के लिए देखो, यहां दोस्त क्या है, यहां माइनस का 2 है तो यहां 3 नहीं आएगा, एक सेकेंड जरा देखो गौर से, एक सेकेंड, यहां 3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 2 और प्लस का 1 घट के क्या बना लेगा, 1 बना लेगा, ठीक है। यहां से आप रूट 3 कॉमन ले लो और रूट 3 कॉमन ले लोगे तो बचेगा रूट 3 माइनस का 1, नीचे क्या बचा, रूट 3 माइनस का 1, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 चला जाता है, वैल्यू आती है दोस्तों क्या, रूट 3। अब जरा देखो साइन 30 की इसमें से कौन सा ऑप्शन रूट 3 बना रहा है, जो रूट 3 बना लेगा वही मेरा आंसर है। तो गौर से देखो, सबसे पहले हम नीचे से ही चेक करते जाते हैं, नीचे से ही चेक करते हैं। तो जरा रखो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू रखोगे, सॉरी थीटा की वैल्यू अगर 30 रखोगे तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे 2 अपॉन रूट 3, और यहां पे अगर 30 रखोगे तो 1 अपॉन रूट 3। अब हर समानता अंश को जोड़ लोगे यानी कि 3, क्या भैया 3
अपॉन रूट थ्री। अब इसको क्या लिख सकते हो, रूट थ्री गुणा रूट थ्री, एक रूट थ्री से एक रूट कट जाएगा, इसका मतलब बचेगा क्या रूट थ्री। तो जरा देखो क्या इसी के बराबर नहीं आ गया। मैंने कहा ना कि ऑप्शन जब भी आप चेक करते हो तो नीचे से चेक करो, तो देखो हमारे पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर मिल जाता है, पहले ऑप्शन में हमारा आंसर मिल जाता है। दोस्तों वैल्यू पुटिंग आप जानती है, मतलब कितने सवाल पूछे जाते हैं वैल्यू पुटिंग से, लगभग हर शिफ्ट में एक सवाल तो पूछा ही जाता है, चाहे मतलब मेंस हो या प्री हो, लेकिन एक सवाल तो पूछा ही जाता है। और प्री में हमने बहुत देखा हुआ है कि सीजीएल के प्री में वैल्यू पुटिंग के एक सवाल या मैक्सिमम दो सवाल तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये वैल्यू पुटिंग का सवाल था, ये आप कॉन्सेप्ट अपना के आपका एक नंबर आप पक्का कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन यह कि बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। देखो जरा क्या करना है, पहले आप जानते हो बॉड मास का मतलब पहले भाग देते हैं, तो पहले भाग दोगे तो यहाँ देखो तीन आया, सॉरी यहाँ पांच आया, प्लस तीन है, तीन बटा पांच करोगे और गुणा पांच, ऐसे इसको थोड़ा सा मोडिफाई कर लो बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं भाई। आ जाओ यहाँ पे, ये भागा हो गया, फोर इंटू फोर बटा फोर गुणा फोर, का मतलब होता है गुणा थ्री भागा छ गुणा तीन, बस इसी को सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। देखो जरा फाइव से फाइव कैंसिल हो जाता है, क्या फाइव से फाइव बच्चे कैंसिल कैंसिल हो गया, यहां देखो फोर से फोर कैंसिल हो जाता है, यहां देखो जरा यहां टू आ जाता है, पक्का भाई। अब जरा इसको जोड़ लो, पांच तीन आठ, भाग का मतलब बटा जाएगा, लेकिन गुणा कर दो ऐसे, चार से चार कट गया तो भाग नीचे क्या कर दो भाई, चार गुणे चार का मतलब चार चौके सोलह, और यहां पे भाई तीन बटा दो, बोलो। तो दोस्तों यहां देखो चार दूना आठ हो जाता है, दो दूना चार, इसका मतलब आंसर हमारा क्या गया, तीन बटा चार। आंसर क्या आता है मेरे भाई, तीन बटा चार आता है, क्या आता भाई आंसर मेरा, तीन बटा चार आता है पक्का। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन बना लो तीन बटा चार, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका। नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, और ट्रिग्नोमेट्री का सवाल मैंने कहा ना आपसे कि ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मतलब जितने भी एडवांस के पार्ट हैं, ठीक है, उससे कम से कम मान के चलो तो 40-50% क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। यार दोस्तों बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू फोर कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू बता दो। तो मेरे मित्र आप जानते हो बड़े आराम से कि साइन थीटा, देखना जरा कॉस को इधर ले आओ, क्या भाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू फोर, दैट इज इक्वल टू फोर। अब जरा देखो इसको क्या लिख सकते हो, टेन थीटा लिख सकते हो ना भाई, इसको फोर अपॉन वन लिख सकते हो। अब एक बात मेरे ध्यान से सुनो, कितने लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा हुआ बताओ जरा, कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा तो दोस्तों YouTube चैनल पे हमारे आइए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर वीडियोस जो हमने पहले लाइव सेशंस लिए थे उसमें मैंने ट्रिपलेट बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है, वहां जाइए आप ट्रिपलेट पढ़िए सबसे पहले। आइए दोस्तों, कहता भाई देखो लंब बटा आधार होता है, तो लंब हो गया चार, आधार हो गया एक, तो मेरे मित्र ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे तीन, चार चौके सोलह, सोलह में से एक गया तो पंद्रह, रूट पंद्रह, क्या भाई रूट पंद्रह। अब कह रहा साइन थीटा अपॉन कॉस मतलब इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ जरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि चार गुणा रूट पंद्रह, और कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस वन अपॉन फिफ्टीन। तो मेरे मित्र यहां से आंसर मेरा आ जाता है रूट फिफ्टीन, फोर अपॉन फिफ्टीन, क्या भैया चार बटा पंद्रह, चार बटा पंद्रह। ऑप्शन बनाओ इसको, अरे जरा सुनो एक मिनट के लिए, ऑप्शन कहां बनाएंगे हम, आइए जरा देखिए एक मिनट के लिए मेरे बाबू, चार चौके सोलह एक सत्रह यहां बनाएगा, ठीक है, आइए दोस्तों सत्रह बनाएगा, ये सेवनटीन बनाएगा ना, चार चौके सोलह एक सत्रह, तो यहां क्या हो जाएगा भाई, हर जगह सत्रह, तो ये भी सेवनटीन बनाएगा, इसका मतलब क्या है, ये मेरा करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाता है, समझ पाए, ये मेरा करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिए, देखिए जी ये बिल्कुल मतलब आप ये समझ जाइए कि ऐसे ऐसे सवाल रखे हुए हैं हमने जो मतलब बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि जैसे अभी जस्ट जो एग्जाम आप दे के आ रहे हो या जो बच्चा दे के एग्जाम आ रहा है बिल्कुल उससे रिलेट करके सवाल, हमें ये लगा कि हाँ ये अब पूछा जाएगा, अब ये पूछा जाएगा, समझ पा रहे हो, मतलब जैसे दो तीन शिफ्टों के क्वेश्चन, जैसे कुल मिला के आप मान सकते हो कि एक दिन में तीन शिफ्ट, तो तीन दिन में नौ शिफ्ट के क्वेश्चन हो चुके हैं, और इन सारे शिफ्ट के क्वेश्चन हमने यूट्यूब पर सॉल्व भी कराए हुए हैं, तो इसलिए
हमने क्वेश्चन को एनालाइज किया और ये जाना कि इसके बाद इसकी बारी है, इसके बाद इसकी बारी है, और एज एक्सपेक्टेड वो सारे सवाल आ भी रहे हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, कह रहा है कि जब किसी वस्तु का मूल्य, जब किसी वस्तु का मूल्य में 20% की कमी होती है। देखो दोस्त, एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस या प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इसी पे लगा लो, लग जाएगा बड़े आराम से। क्या दर्शाता है ये, वृद्धि या कमी दर्शाता है। तो वृद्धि कह रहा है टोटल राजस्व में वृद्धि 60% हो रही है, तो 60% के बराबर किसको करना भाई। कह रहा है एक बार तो 20% की कमी, तो 20% माइनस, कह रहा है कि कितने की वृद्धि भाई, कह रहा है एक्स की वृद्धि, एक्स की वृद्धि कर लो, और एक एक्स है, एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस कर लेगा, इसका मतलब 20/100, और एक तो एक्स है। अब जरा गौर से देखो, ये हो जाएगा 80 है ना, और यहां से काट लोगे तो 20 हो जाएगा 8x/10, 8 से 8 गया, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 100, x की वैल्यू आ गई 100। और गौर से देखो, आपसे क्या पूछा था, कह रहा x का मान बताओ, क्या गया भाई 100%, क्या मेरे दोस्त 100%, बहुत बढ़िया। आई जी अगला सवाल, कह रहा अभी ने 625 रुपए में दो वस्तु खरीदी, उसने एक वस्तु को 14% हानि पर तथा दूसरी को 14% लाभ पर बेचा। ठीक है, कह रहा यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो उनका लागत मूल्य बताओ। अब जरा गौर से देखो, कह रहा अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 रहा होता तो एक को उसने 14% हानि पर बेचा, तो मेरे बच्चे कितने पर बेचा। आप कहोगे 14% की हानि मतलब 86 पे बेच दिया। फिर कह रहा है कि अगर कोई वस्तु 100 की रही होती उसको 14% लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब उसको 114 पे बेचा है ना। ये क्या भाई, ये एसपी है। सवाल में कह रहा है कि उन सबका विक्रय मूल्य समान है, दोस्तों विक्रय मूल्य समान कर दो ना, क्या दिक्कत है इसमें, विक्रय मूल्य समान कर दो। तो विक्रय मूल्य समान कैसे करें मेरे बच्चे, इसमें क्या करो, 114 यहां गुणा कर दो और 86 का यहां गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा, 114 और 86 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ ये कितना हो गया लागत मूल्य इसका। तो आप कहोगे 114/00, यहां 86/00। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर मैं दोनों को जोड़ लूं तो दोनों का लागत मूल्य आता है। जरा एक बार जोड़ के देखो, दोनों का लागत मूल्य आता कितना है, आप कहोगे 2000। लेकिन बच्चे ये यूनिट माना हमने, 2000 यूनिट माना है, असल में देखो लागत मूल्य क्या है, 624। क्या भाई 624, मैं कहूं एक यूनिट की वैल्यू बताओ तो 624 गुणा या बटा 2000। अब जरा देखो क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि उनकी लागत मूल्य का अंतर बताओ। तो जरा देखो, अगर इन दोनों का मैं अंतर लेने लगूं तो जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, और देखो यहाँ पे भाई 14, 8, 6, 14 आ गया है ना, और एक बार देखो यहां बचा है 10, 10 में से 8 गया तो 2 बच्चे 2800। तो 2800 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, 2800 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो ऐसे आप 624 गुणा 2800 बटा 2000, बहुत इजी है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लोगे, ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लोगे और 2 से भाग दे लोगे, ठीक है, आपका आंसर बहुत ही आराम से आ जाएगा, 89 point something के आसपास आएगा। ठीक है, 89 point something, या ये होगा या तो ये होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने की आवश्यकता है, कर लेना सोल्व, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट, कह रहा भाई ए बी सी की तीनों की, देखिए वर्क एंड टाइम का सवाल है, वर्क एंड टाइम, एक क्वेश्चन आ रहे बच्चे वन के वर्क एंड टाइम के, जितने भी शिफ्ट हुए ना एक क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का पूछा ही गया है। ठीक है भाई, और इस टाइप का सवाल एक दिया हुआ था, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड, उसी से रिलेट करके हमने सोचा कि ये सवाल तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, थोड़ा सा लेवल अप करके, हमने सोचा कि थोड़ा सा लेवल अगली शिफ्ट में अप करेगा, तो मे बी हो सकता है कि यही सवाल पूछ लिया जाए, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सवाल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों, कह रहा है कि तीनों की दक्षता क्या भाई, ये रही, कह रहा है कि वे एक कार्य को 7 मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं। बच्चे अगर 7 मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं तो जरा एक बार बताओ काम कितना हुआ। तो भैया काम हमें अगर निकालना होता है तो डब्ल्यू इंटू इफिशियंसी, यही तो करते हैं भाई, अरे डब्ल्यू निकालना होता है तो इंटू टी, सॉरी डब्ल्यू निकालना होता है भाई कितना, क्या करता है बताओ जरा, डब्ल्यू मुझे निकालना होता है तो क्या करते हो भैया, ई इंटू टी। इफिशियंसी क्या भाई तीनों की, यानी कि 8 × 2 = 16 और टाइम क्या भाई 30, तो वर्क कितना हो गया 16 × 3 = 48 यानी कि 480, कितना भैया 480। ये क्या है भाई, टोटल वर्क है, कह रहा है कि ए और बी ने 7 मिलकर 20 दिनों तक काम किया,
कह रहा ए और बी ने साथ मिलकर मतलब ए की क्षमता 5 बी की क्षमता 3 यानी कि 8 क्षमता से मिलकर 20 दिनों तक काम हुआ। तो 8 क्षमता 20 दिनों का 8 दूना 16 यानी 160 काम निपटा दिया दोनों ने मिलके। तो बचा कितना भाई बताओ जरा, 320 काम। कितना बचा भाई? 320 काम। कह रहा है कि बाकी बचे कार्य को सी अकेले कितने दिन में निपटाएगा? अरे सी की क्षमता बताओ कितनी? 8। बहुत ही प्यारा सवाल। 8 × 32 = 40 दिन। 8 × 32 = 40 दिन बच्चे। कितने दिन में भाई? 40 दिन में निपटा जाएगा सवाल, मतलब काम निपटा जाएगा। टेक्स्ट सवाल 40 दिन में निपटाने लगे तो सेफ्टी खत्म हो जाएगा आपका। कह रहा ए और बी की वर्तमान आयु का, देखी थी ए, ये सवाल मतलब इस तरह का सवाल पहले शिफ्ट में पूछा गया था, पहले शिफ्ट में। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरी जो पहले शिफ्ट में हम लोगों ने एनालिसिस करवाया हुआ था मैथ के पेपर का, रीजनिंग के पेपर का, इंग्लिश के पेपर का, वहां जाके देखो, सेम इस तरह का सवाल है, बस उसी से रिलेटेड हमने ये सवाल लिया हुआ है। कह रहा ए और बी की आयु का अनुपात बच्चे क्या है? 8:9 है। और लगाने का तरीका भी मैंने बताया था। कह रहा भाई 9 साल बाद अनुपात क्या गया? 1921 हो गया। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि ये बंदा भी 21 साल और ये बंदा भी 21 साल आगे बढ़ा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक वही ठहरा रह जाएगा 21 साल एक की उम्र, मैं हूं तो ऐसा थोड़ी होगा कि 10 साल बाद मेरी उम्र 20 ही रह जाएगी या फिर जो जो मेरी एज है उतनी रह जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा। 10 साल मैं भी तो आगे बढ़ूंगा तो 10 साल दोनों आगे बढ़ेंगे। अब जरा देखो यूनिट में 10 साल आगे बढ़ रहे क्या या रेशियो में 10 साल आगे बढ़ रहे क्या या बराबर बराबर आगे बढ़ रहे नहीं, ये देखो जरा। तो जरा गौर से देखो बच्चे, यहां हो रहा है 11 और यहां देखो क्या हो रहा है। देखो भैया बताओ क्या हो रहा है यहां पे है? तो यहां पे दोस्तों 12 हो रहा है। तो अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो समान करने के लिए क्या करना भाई, इन दोनों का अंतर ले लेना है। अंतर लोगे तो 2, यहां अंतर लोगे तो मान, इन दोनों का अंतर इन दोनों में गुणा, इसका अंतर इन दोनों में गुणा, तो 8 × 16, 9 × 18, 19, 21। अब देखो अंतर समान आ रहा है क्या? आपको क्या, अरे वाह अंतर तो समान आ रहा है, यानी कि यहां भी 3 का अंतर, और 3 का अंतर मतलब क्या, पहले ये जितने साल भी जिया हो लेकिन कह रहा है ये 9 साल बाद का रेशियो है, यहां से यहां तक 9 साल, यहां इन दोनों का अंतर 9 साल, यानी कि 3 = 9 साल, 1 = 3 साल, 1 यूनिट बराबर भैया, अरे बोल दो, 1 यूनिट बराबर 3 साल। आपसे क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है सी की वर्तमान आयु कितनी है? सी की वर्तमान आयु, देखो वर्तमान आयु हमने ये ले लिया है, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना? 3। तो मेरे बच्चे कह रहा है कि सी की वर्तमान, सॉरी देखो यहां भी कह रहा है, कुछ ऑप्शन यहां पे भी है, कह रहा है कि बी जो है मतलब सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप बी की आयु निकालो, यानी बी की आयु क्या भाई 18, तो 18 निकालो, 18 × 54 यानी कि बी की आयु कितनी होगी 54। कह रहा है कि सी बी से 3 वर्ष छोटा, तो 3 वर्ष छोटा कर दो, इसका मतलब ये 51 हो गया, आया ना। सी की एज कितनी? 51। बी की एज कितनी? 54। बहुत आराम से 51 आपका करेक्ट करेक्ट आंसर है बच्चे। क्या है भाई? करेक्ट करेक्ट आंसर। मैंने कहा था ना आपको क्या दिया हुआ था, आपको सिर्फ इतना इतना ये नहीं दिया हुआ था, ये वाला चीज नहीं दिया हुआ था आपसे, सिर्फ इतना ही सवाल पूछ दिया था या ये चीज इतना हटा दो, आपसे पूछा था कि बी की वर्तमान आयु बताओ, यही पूछा हुआ था। लेकिन हमने देखो यहाँ पे ये चीज ऐड कर दिया हुआ है, तो हो सकता है कि अगले शिफ्ट में थोड़ा सा कुछ आगे पीछे करके आपसे सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक, देखो बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप जानते हो कि हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में बच्चे एक क्वेश्चन आ रहा है। जरा देखो, कह रहा भाई 32 है, x 4 1 1 5 y 9, कह रहा ये 88 से विभाज्य है। अरे बच्चे 88 से विभाज्य है तो 88 का मतलब क्या होता है जरा बताओ? 8 और 11, सबसे पहले 8 से डिवाइड करने का प्रयास करो, तो देखो जरा ये सारे जो होते हैं ना, ये लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं वो अगर 8 से डिवाइड तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड। अब जब कह रहा है कि पूरा नंबर 8 से डिवाइड है, इसका मतलब लास्ट का 3, सॉरी यहां 2 है, लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, तो बताओ कैसे डिवाइड होगा? तो आप सोचो जरा एक मिनट के लिए, मैं अगर यहां रख दू 5 y और 2 है, मैं यहां अगर काटने लगू तो 8 × 48, मान लीजिए मैं अगर 6 बार ले जाऊं तो 8 × 48 यानी कि 48, ठीक है 48। और इसके बाद मान लो यहां 2 मैं उतारूंगा, ठीक है, और यहां पे मैं क्या रखूं कि इन दोनों का अंतर, गौर से सोचो, यहां से मैं क्या रखूं कि इन दोनों का अंतर जो है और यहां जो वैल्यू आए वो 8 से डिवाइड हो, तो आप कहोगे 8 × 32 होता है, 8 × 32 होता है, है ना, 8 × 32 होता है। तो दोस्तों जरा गौर से देखो, मैं यहां 8 × 32 तो मैं यहां रखूं क्या, कि दोनों का अंतर 4 आ जाए,
बोलो जरा। तो आपको सर आप दो रख दो, आप दो रख दो सर, रख दिया बच्चे मैंने दो। अगर मैंने दो रख दिया तो बताओ चार उतर रहा ही नहीं उतर रहा, दो नहीं सॉरी एक रखना पड़ेगा, सॉरी बच्चे एक रखना पड़ेगा, माय मिस्टेक। क्या रखना पड़ेगा भाई? एक रखना पड़ेगा, एक। और मैंने अगर एक रख दिया तो यहां थ्री उतर गया, यानी कि आठ चौके बत्तीस, यानी वाई की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ? एक रख सकता हूँ। अच्छा वाई की मैं एक और वैल्यू भी रख सकता हूँ, आप सोचोगे क्या? अरे बाबू वाई की वैल्यू मैं नौ भी रख सकता हूँ। अब जरा देखो नौ छक्के चौवन आया ना, नौ छक्के चौवन, चौवन और कितना भाई हुआ यहाँ पे, नौ अगर रखा था मैंने पांच हुआ नहीं होगा, नौ छक्के चौवन हो गया, अरे नौ छक्के चौवन का होता है आठ छक्के अड़तालीस, आठ सात छप्पन होगा जी बिल्कुल। यहां मैं नौ रख सकता हूँ, यानी वाई की मैं दो वैल्यू ले सकता हूँ, एक मैं वन भी ले सकता हूँ, एक मैं नाइन भी ले सकता हूँ। अब देखो क्या लेना हमें जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि अभी 11 का भी तो देखना पड़ेगा, 11 का प्रॉपर्टी क्या होता है भाई? अल्टरनेट डिजिट का ऐड, अल्टरनेट डिजिट का ऐड, यानी कि तीन प्लस एक्स, पहले इसको लिखो तीन और एक चार, चार और पांच चार नौ, नौ दो ग्यारह, यानी कि ग्यारह एक्स माइनस, अरे भाई 11 का प्रॉपर्टी यही तो होता है, 11 के डिविजिबिलिटी का रूल यही तो होता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम, मतलब अल्टरनेट डिजिट का सम और अल्टरनेट डिजिट का फिर एक बार सम, दोनों को माइनस करते हैं तो जीरो आता है। अब जरा यहां पे देखो कह रहा है दो चार छह, छह एक सात, सात और ये हो गया वाई, यानी कि सेवन प्लस वाई, यहां भी प्लस होगा। अब जरा गौर से देखो भाई, मैं अगर यहां पे वन रखूं, अगर मैं यहां पे वन रखूं तो जरा सात और एक आठ, क्या ये क्या बना लेगा? आठ बना लेगा। क्या बना लेगा भाई? आठ बना लेगा। लेकिन देखो ये फिर डिवाइड मतलब जीरो नहीं आ रहा, ये फिर जीरो नहीं आ पा रहा, तो इसका मतलब मैं वाई की वैल्यू एक रख नहीं सकता। अगर मैं वाई की एक नहीं रख सकता वैल्यू, अगर मैं वाई की एक वैल्यू नहीं रख सकता हूं तो मैं क्या रखूं वाई की वैल्यू? बताओ जरा, बताओ जरा भाई वाई की मैं वैल्यू क्या रखूं? आपका एक और वैल्यू आपके पास है नाइन, तो सात नौ सात कितना होता भाई? सोलह। नौ सात कितना था? सोलह। अब जरा ये देखो ग्यारह तो भाई यहाँ पे क्या रखेगी? सोलह बना ले जाए, तो आपको सर यहाँ पे पांच रख दो तो ये भी सोलह बना ले गया, सोलह माइनस सोलह इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या गई भाई? फाइव। एक्स की वैल्यू फाइव और वाई की वैल्यू भैया नौ, वाई की वैल्यू क्या? नौ रख दो, यानी कि पांच चौके बीस में से नौ गया ग्यारह, पांच में से बीस मतलब कितना आ गया भाई? ग्यारह। कितना आ गया दोस्तों? ग्यारह आ गया। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यापारी ने अपने माल को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित किया, 40% ऊपर अंकित किया। देखिए दोस्त 40% की फ्रैक्शन बनाओ, सबसे पहले सवाल पढ़ते जाइए, सवाल सॉल्व करते जाइए। 40% की फ्रैक्शन होती है क्या भाई? दो बटे पांच। क्या भैया? दो बटा पांच। मतलब क्या? अगर मेरा लागत मूल्य अगर पांच है तो सात में अंकित कर रहा हूं, दो बढ़ा के, दो बढ़ा के। समझ पाए बात? कह रहा है कि आगे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 70% सामान बेच देता है, अंकित मूल्य पर 70% सामान बेच देता है। मतलब 70% का मतलब क्या? अरे भैया मेरे 70% का मतलब होता है, मान लीजिए सात सामान बेच दिया, अगर कुल 10 होते, 70% की फ्रैक्शन बना लो ना सीधे सीधे, 70% की फ्रैक्शन 7/10। कह रहा अगर टोटल सामान 10 है तो उसमें से सात मैंने बेच दिया सात पे, तो सात सात पे बेच दिया तो क्या रुपया मैंने कमा लिया? 49 रुपया मैंने कमा लिया, 49 रुपया मैंने कमा लिया। समझ रहे? सात सामान को 7 रुपये में बेचा तो कमा लिया उतना। अब जरा एक बार और ध्यान से देखो, एक बार और ध्यान से देखो, और कह रहा है कि बाकी के जो बस तीन वस्तुएं बची हुई है ना, इस पर मैं डिस्काउंट दे देता हूं। मतलब ये सात से बेची जानी थी लेकिन सात की बिकी नहीं, डिस्काउंट मैंने किसना दे दिया? 40% का। कितना भैया? 40% का डिस्काउंट दे दिया। 40% का डिस्काउंट का मतलब होता है 2/5, यानी कि 2/ मतलब 5 में 2 का डिस्काउंट, तो मैंने बेचा कितने पे? 3 पे, यानी कि 3/5। अब जरा गौर से देखो, 7 × 6 = 42, 42/5, 5 × 8 = 40। क्या भैया? 5 × 8 क्या होता भाई? 40 और 0.5 × 20, 8.4। बच्चे इसमें मैं कितना कमा रहा था? 54, और इस पे कितना कमा लिया भाई? 8.4। कितना भाई? 8.4। टोटल प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया? टोटल प्रॉफिट आपके पास आ गया भाई, यानी कि 57.4। कितना आएगा बच्चे बताओ जरा? 57.4। अब जरा गौर से देखो, कह रहा है कि इसमें तो आपका प्रॉफिट भी है और क्या भाई, और सीपी भी तो है। देखो जरा एक गौर से देखो भाई, ये है क्या एक्चुअली में? ये है तो सात, है तो सात। आपको अगर पांच निकालना है तो बच्चे 5/7 कर दो,
बड़े ही प्यार से जो है आपका आंसर आ जाएगा 23.2। बड़े ही प्यार से आंसर आ जाएगा 23.2। कैलकुलेशन है कर लेना। नेक्स्ट, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कई बच्चे इसमें भी वैल्यू पुटिंग अपनाएंगे। नहीं जी, सबसे पहले तो देखो, परखो, जानो, फिर कहो कि वैल्यू पुटिंग होगी कि नहीं होगी। यहां देखो, रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे थोड़ा सा एक मिसप्रिंट है, ऐसे होता है पक्का। आई जी जरा देखिए, इसको हम ऐसे ही लगा सकते हैं भैया, 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इज इक्वल टू 0। और पूछ रहे हैं आपसे टेन थीटा की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है जी। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, अगर सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो बताओ कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ जी कोट थीटा को। तो आप कहोगे सर लिख सकते हो आप कोसेक कोसेक थीटा माइनस 1, तो 12 कोसेक थीटा, भाई 12 तो गुणांक है, 12 कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 12 माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब जरा इसको अरेंज करने का प्रयास करो, तो आएगा यहां पे 12 क्या आएगा भाई, 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा, और यहां ये उधर जाएगा, तो आप जानते हो एक बार घट जाएगा जाके और बचाएगा क्या भैया, 20 बचाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। अब भैया जिसको अगर मूल निकालना आता है वो ऐसे निकाल ले सीधे सीधे करके, क्या कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4ac अपॉन 2a अपॉन क्या भाई 2a। अब यही करके निकाल लो, तो बच्चे जानते हो कोस थीटा कोसेक थीटा की दो वैल्यू आएगी, एक क्या कोसेक थीटा की दो वैल्यू आएगी। देखो जी यहां एक बार 32 आएगा, 32 में से एक घटाओगे मतलब 31 में, देखो बी की वैल्यू क्या भाई, बी की वैल्यू क्या है 31 है, और 31 में से देखो ये माइनस ही है तो ये तो प्लस हो जाएगा, अरे भाई देखो बी माइनस ही है तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी 31 है तो 31 इसकी वैल्यू आएगी मतलब 1 आएगी, ठीक है, और ये प्लस माइनस होता है तो एक बार प्लस रखोगे तो 30 आएगा, यानी कि 30 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, 30/20 यानी कि 5 6 30, ठीक है, और 5 4 20, एक बार और काटोगे तो आएगा बच्चे 3/2, क्या आएगा भाई 3/2। और एक बार और कोसेक की वैल्यू आएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू एक और आएगी, क्या आएगी जब मैं प्लस रखूंगा, यानी कि 32/20, और 32/20 को क्या लिख सकते हो, यानी कि 4 6 24, अरे भाई 32/20 आएगी, आया ना 20 नहीं 40 सॉरी 40 आएगी, और यहां भी 4 आएगा दोस्तों, ये देखो यहां 8 आएगा, यहां 4 आएगा, और यहां क्या हो जाएगा 40, काहे काहे कि ए की वैल्यू 20 है, सॉरी सी की वैल्यू 20 कहां भी, अच्छा ये रहा सॉरी, ए की वैल्यू कुछ और ही है भाई, ए की वैल्यू कुछ और ही है, मैं क्या रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं सी की वैल्यू, जरा एक बार गौर से देखो, आइए बाबू आइए आपको दिखाते हैं इसको, मेरा आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो जी यहां एक बार क्या आया था 30, आप जानते हो 30/40, 30/40 मतलब 3/4 आया ना, और यहां एक बार आएगा 32/40, और 32/40 का मतलब क्या, 8 4 32 8 5 40, यानी 8 4 32 8 5 40। अब आप गौर से देखो, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, एक्चुअली दो राइट एंगल ट्राइंगल हो, काहे काहे कि बाबू दो दो वैल्यू आ रही है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो कर्ण क्या भाई एक पे 3 है कर्ण और एक पे लंब क्या 4, तो बताओ ये कितना होगा, तो आप बड़े आराम से कहते हो 3 3 9 4 4 16 क्या होगा भाई, 3 3 9 और क्या होगा भाई 4 4 16, बड़ी भुजा चाहिए ना, बड़ी भुजा क्या होती है, अरे यार क्या हो जाएगा, देखो जरा यहां क्या होगा, आधार बटा कर्ण, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा आधार, देखो जी जरा बहुत प्यार से देखो भाई, ये हो जाएगा देखो 4, ठीक है, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है, ये हो जाएगा 3, आया ना, ये 3 हो जाएगा, बताओ ये कितना होगा, तो 4 4 16 16 में से 9 गया भाई, कितना हो गया 7, क्या हो गया दोस्तों रूट का 7, और यहां देखो ये 4 ये 3 तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, आया ना, बोलो। अब कह रहा आपसे टेन थीटा की वैल्यू बताओ,
तो बच्चे अगर मैं tan थीटा की वैल्यू बताने निकल पड़ा तो tan थीटा बराबर क्या होता भाई, लंबटा आधार यानी कि 4/3, एक बार तो 4/3 आएगा और एक बार उसमें जाओगे तो लंब का मतलब 3/√7 और √7 का परिमेयीकरण कर देगा तो √7 यहां आ जाएगा, यहां से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि ये आपका करेक्ट करेक्ट आंसर मिल जा रहा है। दो ऑप्शन मतलब दो आंसर मिलेंगे आपके, एक 4/3 और एक 3√7/3। आइए जी अगला सवाल, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई मतलब जो क्या कहते हैं कि इंटरसेगमेंट थ्योरम पूछा हुआ था, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पूछा हुआ था। तो दोस्तों अब ये मध्यिका की लंबाई भी तो पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक बार अगर बनाने का प्रयास करूं तो आप जानते हैं कि सवाल आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि 7, 24, 25 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। और भैया मेरे केंद्रक वो होता है, केंद्रक वो होता है, आप जानते होंगे केंद्रक वो होता है जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब मध्यिकाओं के कटान बिंदु को सीधे सीधे केंद्रक कहते हैं, मध्यिकाओं के कटान बिंदु को सीधे सीधे केंद्रक कहते हैं, सही है भाई। अब आपसे कह रहा, देखो जरा, कह रहा भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है। गौर से देखो, कह रहा है कि ए बी की लंबाई कितनी भाई 7, बी सी की लंबाई कितनी भाई, बी सी की लंबाई, ए बी की लंबाई 7 और बी सी की लंबाई भाई 24 और सी ए सी की लंबाई कितनी भाई 25, समझे बात। और ये है भाई मेरे मध्यिका डी और ये है केंद्रक जी। कह रहा है कि बीजी की लंबाई बताओ। देखिए तो मध्यिका की प्रॉपर्टी होती है कि ये 2 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, यानी कि अनुपात जो इनका होता है ना वो 2:1 का होता है। तो सबसे पहले पूरी की लेंथ तो प्राप्त करो। तो मेरे बच्चे पूरी की लेंथ प्राप्त करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है क्या, जरा देखो। कह रहा है कि ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखिए जी ये मध्यिका प्राप्त करने का एक फॉर्मूला है जो हमने सीधे सीधे पढ़ा रखा है, वही मैं आपके साथ यहाँ पर कॉपी पेस्ट सिर्फ कर रहा हूं। पूरी डिटेल पढ़नी है तो दोस्तों आपको हमारे कोर्सेज पे आना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वहां से आप सीधे सीधे डायरेक्ट मध्यिका निकालने का तरीका सीख पाएंगे, या ऐसे बहुत से मतलब बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो हमने अपने कोर्सेज में पढ़ा रखे हैं, जो पेड कोर्स हम चलाते हैं मोबाइल पाठशाला के मतलब की एप्लीकेशन पे, मोबाइल पाठशाला वेबसाइट पे जो हम कोर्सेज चलाते हैं, आप वहां से आके प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल पाठशाला का जो ऐप है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पर बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो वहां पे जाइए, डाउनलोड करिए, कोर्स परचेज करिए और फिर इसके बाद ये चीजें हलवा लगेंगी, बिल्कुल बिल्कुल हलवा लगेगी। आ जाओ जरा, कह रहा भाई टू फॉर्मूले में होता है, टू क्या होता है बच्चे, ए डी स्क्वायर, ठीक है भाई, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब क्या करना है, अब सारी सारी वैल्यू ही रखनी है भाई। ए बी स्क्वायर का मतलब होता है देखो 7, यानी कि 7 × 7 = 49 हो गया, प्लस ए सी स्क्वायर का भाई, ए सी नहीं होता बच्चे, बी सी होता है, मैंने क्या लिख दिया, देखो ये साइड और ये साइड, मैंने यही कहा ना शुरू, ये साइड का स्क्वायर और लिखा क्या, ए सी लिख दिया, गलती से लिखा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और 24 का बच्चे क्या होता है, 576 प्लस 2 इसका देखो जरा, ए डी का मैंने कहा ना कि मध्यिका दो बराबर भागों में काटती है, तो ये 25.5 इसका मतलब ये बराबर होगा 625/25/2 का मतलब 4 भाई, स्क्वायर होगा तो 4 भी तो होगा। और बीटी का स्क्वायर हमें नहीं पता, रहने तो छोड़ दो, जाने तो। अब जरा देखो जोड़ोगे तो आएगा 625 और ये 2 आ जाएगा इधर, यहां आ गया 625/4 प्लस बीटी स्क्वायर। और अगर ऐसे बीडी स्क्वायर आप प्राप्त करना चाहते हो तो इसको इधर ले आओगे तो बचेगा 625/4 और रूट हो जाएगा इस पे भाई, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो ही जाएगा। अब यहां देखो जरा गौर से क्या आ जाता है, ये 25 आएगा, ये 4 आएगा। अब भैया एक बात गौर सोचो, बीडी की जब वैल्यू आ गई 25/4 तो इसको तो 2:3 में बांट सकते हैं बड़े आराम से, यानी कि 25 भैया जरा देखो 25/4 इसको बांटना है 2:1 के अनुपात में। तो अब जरा 2:1 के अनुपात में बांटना है तो टोटल को पहले 3 से भाग दे दो, और कितने की वैल्यू निकालनी है, 2 यूनिट की वैल्यू निकाली तो यहां पे 2 का गुणा कर दो, वही तो होता है निकालना, तो भाई बांटना तो जानते हो ना। अब इसको ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा इधर, यहां से कटके जानते हो ना, काट दो भैया इसको। अब जरा इसको अगर काटने का प्रयास करोगे तो आएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा
कुछ नहीं आएगा, यानी कि 25 बटा 6 और 25/6 जरा देखो कहां पे आ रहा, 25/6 अरे 25/6 का यहां तो, यहां भी तो 2 था, ठीक है 2 से 2 पूरा कैंसिल हो जाता है, 25/3 आ रहा है, 25/3 का मतलब 8 से 1/3 बहुत गजब। तो मैंने कहा ना आपसे कि अगर इतने बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं तो हमारे साथ आपको पेड क्लासेस पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट, कह रहा कि 8 अंकों की संख्या है, कह रहा है 88/22 है, ये चीज आपको बताया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, बताया थोड़ी देर पहले, यहाँ पे वही काम अपनाना है बच्चे, क्या करना है जरा देखो, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 4y और 2 बच्चे मैं कह रहा हूं इसको 8 से डिवाइड करो, कितनी बार ले जाए भाई, 8 × 6 = 48 नहीं ले जा सकते, 8 × 5 = 40 ले जाओ, तो 8 × 5 = 40 बच्चे बताओ मैं यहां क्या रखूं, यहां 2 आ जाए और कट भी जाए यहां से, तो जरा गौर से देखो अगर मैं यहां 7 रखूं तो 8 × 9 = 72 बिल्कुल कट जाएगा, y की वैल्यू क्या भाई 7, y की वैल्यू अगर 7 आ गई तो कह रहा है 11 की मतलब 11 से डिवाइड करके x की वैल्यू निकाल लो, देखो जी यहां 7 आ गया है, अब अल्टरनेट डिजिट का ऐड करो यानी कि 7 × 7 = 9, 9 के बाद 9x, 9x के बाद भाई 9 × 7 = 16 यानी कि 16 + x माइनस क्या होगा भाई, अल्टरनेट डिजिट करो यानी कि 4 × 4 = 8, 8 × 2 = 10 समझ पाए, बताओ यहां पे मैं क्या रखूं, बताओ मैं यहां पे क्या रखूं, ये बता ये बच्चे ये जीरो बना जाए, क्या बना जाए ये जीरो बना जाए, क्या बना जाए भाई जीरो बना जाए, बताओ जरा क्या रखूं मैं, तो आप इसको उधर ले जाओगे यानी कि x की जो वैल्यू होगी ना, x की जो वैल्यू होगी देखो जरा वो 10 माइनस मतलब 16 यानी कि x की जो वैल्यू आती है 6 रख दो, क्या रख दो भाई 6 रख दो, माइनस कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला कोई समस्या नहीं, बस आप सिर्फ वैल्यू रखो 6 क्योंकि वो अपने आप सेट कर लेगा, तो अगर वैल्यू वहां पे 6 रखा मैंने और यहां से मैं कटने का प्रयास करूंगा यानी कि 6 × 4 = 24 बच्चे देखो जरा 24 + 3 y की वैल्यू 7 × 3 = 21 7 × 3 = 21 आप दोनों को जोड़ोगे तो 45 आपका क्या आता है आंसर आ जाता है, क्या था बच्चे 45 आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत इस टाइप का कंपैरिजन वाला सवाल 2019 से ही उठा रहा है या 2018 से कह सकते हो, वहां से भी उठा रहा है, तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, सबसे पहले आपको क्या जानना होगा a³ - b³, एक छोटी सी आइडेंटिटी जाननी होगी, इसके बाद आप इस सवाल को कर पाएंगे, होता है a - b, अगले ब्रैकेट में होता है a² + ab और ये होता है +b² यही होता है, अब इसी का फॉर्मूला लगा दो तो देखो जरा देखो भाई यही तो आएगा, देखो 2x³ और 3y³ इसी का क्यूब तो आएगा, तो एक बार तो ये तो कट ही जाएगा इससे, तो बचेगा सिर्फ यही ना, हाँ कि ना, अब जरा देखो भाई स्क्वायर कर दो यानी कि 4x² + 9y² + क्या हो जाएगा भाई यानी कि 3 × 2 = 6xy बैठा दो कंपैरिजन, अब ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू क्या हो गई 4, अब जरा देखो बी की वैल्यू क्या, वाई स्क्वायर किधर है भाई, अच्छा यहां वाई स्क्वायर है, तो बी की वैल्यू क्या 6, क्या भैया बी की वैल्यू होगी 6 और सी की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे, सी की वैल्यू होती है 9 और सी की वैल्यू अगर 9 आती तो इसी में रखना ही तो है, यानी कि 4 × 2 = 8, 8 और 8 = 6 हो जाता है वो 14, यानी 14 में से अगर 9 गया, ठीक है 14 में से आप क्या घटा लो 9, तो आंसर आपका आ जाता है बच्चे 5, बड़े प्यार से, ये कंपैरिजन का सवाल है, क्या भाई कंपैरिजन का। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके बिकट पीपर काटते हैं यदि, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल, ठीक है बच्चे, कह रहा है कि बाबू देखो एक क्या है सर्कल है भाई, चक्रीय चतुर्भुज तो इसी में बनता है, गौर से देखना जरा, कह रहा है कि बाबू ये चक्रीय चतुर्भुज है, देखो जरा मैं चक्रीय चतुर्भुज अगर बना देता हूं कैसे भी करके बनाओ लेकिन बनाना जरूरी, बन गया चक्रीय चतुर्भुज, क्या भाई ये ए है, ए बी सी डी ये चक्रीय चतुर्भुज है, आपसे कह रहा भाई क्या है कि इसके बिकट पीपर काटते, जरा देखो बिकट पीपर काटते हैं तो काट दो, देखिए जी ज्योमेट्री का सवाल है, मैं आपसे कह रहा हूं ना कोई कैलकुलेशन नहीं लगाऊंगा मैं इसमें, कोई भी कैलकुलेशन नहीं, और मात्र 2 सेकंड में आंसर लेकर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आइए दोस्तों आपसे कह रहा है कि पीपे काटते, चलो मैंने पीपे कटवा दिया इसको, गौर से देखो जरा, कह रहा है कि ए बी और बी सी बराबर है, मेरे बच्चे ए बी, ए बी क्या भाई ए बी ये और क्या बी सी, बी सी क्या भाई बी सी ये, कह रहा है ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा सीधे सीधे, अब कह रहा है आपसे क्या जरा देखो, कह रहा है कि डी बी सी कह रहा है ये वाला एंगल किसके बराबर है भाई 70 डिग्री के, ये वाला किसके बराबर 70 डिग्री के, तो आपसे क्या कह रहा है भाई बी ए सी यानी कि बी
एसी, ये वाला एंगल कितना भाई 30 डिग्री बाबू, ये वाला कितना हो गया 30 डिग्री, गौर से देखो, ये वाला 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, बहुत आराम से आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि पीसीडी, बाबू पी कहां है देखो, पीसीडी, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल इक्वल टू व्हाट, कुछ भी नहीं लगाएंगे हम, कुछ भी नहीं लगाएंगे दोस्तों, बहुत ही प्यार से इस सवाल का आंसर निकाल के दिखाएंगे हम, ठीक है। आइए जरा गौर से देखिए और हम आपको बताते हैं क्या कि मेरे बच्चे एक बार गौर से सोचो कि अगर ये 30 है ये 70 है तो सबसे पहले तो ये देखो कि बाबू ये वाला एंगल हम फाइंड करने के लिए सोचेंगे, ये वाला एंगल हम सबसे पहले फाइंड करने के लिए सोचेंगे, तो बताओ हम क्या कर लें कि हमें ये वाला एंगल मिल जाए, इजिली ये वाला एंगल मिल जाए। गौर से देखो भाई, देखो ये वाला है ना, ये इतना, ये इतना, प्रेम से देखो, प्रेम से देखो, और क्या कह रहा है भाई, देखो इस चाप के अंतर्गत, गौर से देखना, इस चाप के अंतर्गत यहां से उठाओ, कह रहा है कि जितना एंगल यहां बनेगा इसी चाप के अंतर्गत, देखो जरा गौर से देखो, पेन ना उठने पाए, बस ये देखना, जहां पेन उठा वहां मेरा सवाल गया, तो बताओ इनसे कौन कौन सा एंगल बन रहा, एक ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इसका मतलब ये 70 तो भैया ये भी 70 है ना, मैंने कहा समान चाप से समान समान एंगल बनते हैं, पक्का, बहुत बढ़िया। अब जरा गौर से देखो, अगर ये 70 तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा दोस्त, जरा बताओ टोटल एंगल कितना बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के एंगल क्या होते भाई 180 होते हैं, तो ये 70 बनेगा, ये 100 बना गया, तो ये कितने भाई टोटल 80 बनाएंगे, टोटल कितने बनेंगे बच्चे 80 बनेंगे, पक्का टोटल 80 अगर बन गए तो जरा अब यहां पे आओ, यहां दिमाग दौड़ाओ एक मिनट के लिए, जरा देखो यहां से ये 30 बनाया तो यहां से ये भी 30 बनाएगा, आया ना, गौर से देखो, यहां ये 30 बनाया तो यहां ये भी 30 बनाएगा, पक्का भाई। अब देखो जरा, ये 30 बना गया, ये 30 बना गया, ये 70 बना गया, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे एक चीज और कह रहा है, क्या दोस्तों, कह रहा है कि ये वाला और ये वाला ये दोनों बराबर है, तो बच्चे ये 30 तो ये भी 30, सीधे सीधे कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चे, बताओ ये 30 तो ये भी 30, 80 निकाल लिया तो ये भाई ये 30 है तो ये 50 नहीं हुआ क्या, कह रहा है कि ये बराबर इसके कह रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हमने शुरू में ही कह दिया था, ये 30 तो ये भी 30 आया ना, और ये 30 तो बताओ ये मैंने 80 निकाल दिया तो ये 50 नहीं होगा क्या, इन सब चीजों की भी आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट आइए जी, नेक्स्ट सवाल देखिए जी, इस चीज को हमने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ कि आप इसको सीधे क्या लिख सकते हो, इसको आप सीधे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख सकते हो इसको सॉल्व करके, ये मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है, और आपको भी अगर सीखनी है चीजें या तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखते चले जाओ, क्योंकि भाई एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी होता आपके पास कि आप क्या करोगे सारी चीजें आप डिफाइन करोगे, नहीं जी बिल्कुल नहीं। आओ जरा इसको मेरे बच्चे, इसको साइन और टेन में चेंज करो, यानी कि देखो जरा ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, गौर से देखो ये बाहर आ जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर नहीं हुआ स्क्वायर हट जाएगा, कॉस कोसेक थीटा इनटू साइन को कॉमन ले लो तो साइन बाहर आ जाएगा, साइन थीटा यहां बचेगा वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अब ये रूट में रहेगा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, आया ना, अब कह रहे भाई साइन से कोसेक गया, हाँ कि ना बताओ, गया ना, तो यहां बचा सेक थीटा, वो बाहर आया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब साइन कॉस देखो ये जा देखो भाई ये हो गया टेन, क्या होगा भाई टेन टेन थीटा, और यहां क्या बन गया sec थीटा, तो जहां पे ऑप्शन मिल रहा उसको मार दो, sin थीटा tan थीटा tan थीटा sin थीटा सॉरी sec थीटा और tan थीटा, कहां मिला भाई देखो जरा, कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जरा, इसको देखो 1 by cos का मतलब क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ऐसे भी तो मिल सकता है, जरा देखो इसको 1 by cos लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा इसका मतलब इसको लिख सकते हो सीधे सीधे sec sec स्क्वायर थीटा * sin थीटा, ये भी आपका ऑप्शन हो तो वही मार दो, ठीक है, कहां पे भाई साइन और सेक यहां पे, बहुत गजब बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट सवाल आइए जरा, नेक्स्ट सवाल पे कह रहा है एक धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन क्या भाई 7480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कह रहा है यदि इसकी लंबाई जो है 1.4 मीटर है, लंबाई कह रहा है बेलनाकार कह रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात बताओ कि भैया क्या कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का वॉल्यूम होता है, बेलन का आयतन दे दिया है, वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है बच्चे पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर और इनटू एच, यही तो होता है नहीं, बताओ जरा, बहुत बढ़िया गजब,
अब जरा गौर से देखो क्या रहा भाई। भैया देखो वॉल्यूम क्या दिया, 7, 4, 8, 0, 22/7। इसकी वैल्यू क्या दी, आर टू की वैल्यू क्या, बाहरी बाहरी त्रिज्या क्या भाई, 8, 9 है, यानी कि 9, 9, 81 माइनस आर वन का स्क्वायर, और एच क्या दिया 1.4 सेंटीमीटर, बट मीटर में बनाओगे तो 140 मीटर। बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। जरा इसको देखो, काट दिया, 7 × 2 = 14 हो गया, यहाँ 2 आ गया, 22 × 44, पहले 11 से काट दो, 11 × 2 = 22, यहाँ 4 बच गया, 11 × 6 = 66, 11 × 8 = 88, और 4 से एक बार और काटोगे तो आप जानते हो कि 4 × 4 = 4, 4 × 7 = 28, क्या आ गया भाई 17, क्या आ गया भाई 17, और यहाँ क्या आ गया 81 माइनस आर वन स्क्वायर। अब जरा इसको अगल बगल करोगे तो आर वन की वैल्यू आ जाएगी 8, आर वन की वैल्यू आ जाएगी 8, क्या आ जाएगी बच्चे, आर वन की वैल्यू 8। आपसे पूछ रहा है मोटाई बताओ, तो मोटाई कैसे निकलेगी बाबू, देखो ये एक है ऐसे पाइप है, अब पाइप की मोटाई यही तो होगी, यानी कि बाहरी त्रिज्या में से, यानी कि बड़ी वाली त्रिज्या में से मैं इतनी त्रिज्या अगर घटा दूं इतनी त्रिज्या, तो तभी तो मोटाई निकलेगी ये वाली, हाँ ना। तो बड़ी वाली त्रिज्या 9 है, छोटी वाली त्रिज्या 8 है, तो मोटाई कितनी निकली, 1 सेंटीमीटर, बोलो निकली कि नहीं निकली। आइए नेक्स्ट सवाल, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के ए, किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बना, बहुत ही बेहतरीन, आज का बहुत ही गजब सवाल। इस टाइप का सवाल देखो क्या पूछा गया था सवाल में, पहले सिस्ट में सवाल क्या था, ऐसे था, कह रहा था इसके अंतर्गत एक क्या है वृत्त है, चारों को स्पर्श करता है, ठीक है, और हमने क्या लिया आपकी बार, मतलब वो त्रिभुज ले लिया आपकी बार, बस इतनी सी बात है। जरा गौर से देखो, कह रहा है एक त्रिभुज है, ले लिया भाई मैंने त्रिभुज, ठीक है, कह रहा है कि इसके क्या है, इसके अंतर्गत एक वृत्त है, बच्चे इसके अंतर्गत वृत्त बनाया गया, चलो बना लिया वृत्त। अब जरा गौर से देखो, अगर मैं इस पॉइंट से कहूं इस वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं डाली गई, 2 स्पर्श रेखाएं, इस पॉइंट से 2 स्पर्श रेखाएं, इस पॉइंट से 2 स्पर्श रेखाएं, बोलो हाँ या ना, और स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर, मतलब ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, और ये बराबर इसके, होती नहीं होती बताओ। अब नामकरण कर लो, सबसे पहले कह रहा कि ए ए बी और सी, कर लिया नामकरण हमने, नामकरण हो गया। अब जरा वैल्यू रखना शुरू करो, कह रहा कि भाई पी क्यू आर स्पर्श बिंदु है, ए बी पर पी है, इस पे क्यू है और इस पे आर है। अब लंबाइयां रखना शुरू करो, कह रहा है कि ए आर 5 है, ए आर 5 है, देखो ये 5, तो मैंने कहा ये बराबर तो ये भी बराबर है ना। फिर क्या कह रहा है, आर सी 6, आर सी क्या भाई, आर और सी, आर सी 6 मतलब ये 6 तो भैया ये भी 6। अब क्या कह रहा है, कह रहा ए बी, ए बी कह रहा 12 है, ए बी ये 12 है, पूरा 12 है, ये 5 तो ये क्या 7, ये 7 तो भैया ये भी 7। अब कह रहा है कि बाबू क्या आपसे कह रहा है, कह रहा कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप बताओ। अब गौर से सोचो कि ये 12 है, आया ना, तो ये कितना, 6 × 5 = 11, तो ये कितना, 7 × 6 = 13, तो परिमाप कितना, परिमाप भैया सबका जोड़, यानी कि ये हो गया 25 × 25 = 11 = 36, 36 सेंटीमीटर। दोस्तों एक चीज और, एक चीज और वो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बताना चाहता हूं, आपको क्या क्या चीजें और पढ़ के जानी है, क्या क्या चीजें आपको और पढ़ के जानी है। केंद्रक के बारे में सवाल पूछा, ठीक है, आपसे भाई मेरे, आपसे 2-3 चीजें और पूछ सकता है, क्या आप अंतः त्रिज्या पढ़ के जाइए, अंतः त्रिज्या मतलब त्रिभुज की अंतर त्रिज्या कैसे निकाली जाती है वो पढ़ के जाओ, बाह्य त्रिज्या के बारे में पढ़ के जाओ, ज्योमेट्री में बाह्य त्रिज्या के बारे में पढ़ के जाओ, और ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में देखिए दो ही टाइप के सवाल आ ही रहे हैं, या तो एक वैल्यू पुटिंग का, वैल्यू पुटिंग का, या एक बार आपने देखा होगा कि भैया मेरे पॉलीनोमियल टाइप, मतलब अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री, ये सिर्फ दो ही सवाल ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जा रहे हैं, एक अलजेब्रिक और एक वैल्यू पुटिंग का। दोस्तों ये चीजें जरूर पढ़ के जाइए, और अंतर त्रिज्या बाह्य त्रिज्या, ठीक है, और कुछ थ्योरम्स है उसको जरूर पढ़ के जाइए, और आपका एग्जाम मैं समझता हूं आप 25 में से 25 करके आओगे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है बच्चे। और अगर आपको मतलब आगे की तैयारी अगर जारी रखनी है, अगर आपको आगे की तैयारी अगर हमारे साथ जारी रखनी है, तो हमारा ऐप है, हमारी वेबसाइट है, ऐप का नाम है मोबाइल पाठशाला, वेबसाइट का नाम है mobilepaathshala.com, आप वहां पे आइए, हमारे साथ जुड़िए, अपने विचार हमारे साथ रखिए, मंथन करिए एक साथ, लाइव क्लासेस भी मिलती है वहां पे, ठीक है, पूरे कोर्स वहां पे मिलते हैं आपको,
तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है तो बिल्कुल आपके मित्र के लिए भी वैल्यूएबल है। और एक मित्र ही एक मित्र का साथी होता है, और दुनिया में ऐसा रिश्ता कोई होता ही नहीं है। तो मित्र को जरूर जोड़िए अपने में, मतलब इस वीडियो से, ठीक है बच्चे। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आज ये वीडियो रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।